नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए यूपी के 15 जिलों में 25 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। लॉकडाउन के दौरान इन जिलों में राशन, अस्पताल, मेडिकल जैसी जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 34 मामले अब तक मिले हैं, इनमें से 9 मरीज अभी तक ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के आगरा, बरेली, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और अलीगढ़ में 23 से 25 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो इन जिलों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। दूसरी तरफ कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। कोरोना प्रभावित 75 जिलों को 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं मिलेंगी, इसके अलावा रेल सेवाएं, मेट्रो सेवाएं और बस सेवाएं भी बंद रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, 31 मार्च तक दिल्ली मेट्रो पूरी तरह से बंद रहेगी। कोरोना वायरस से देश भर में अभी तक 353 मरीजों के मिलने की खबर आई है, इनमें से 24 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक महाराष्ट्र में 2, दिल्ली में 1, बिहार में 1, कर्नाटक में 1, पंजाब में 1 और गुजरात में 1 शख्स के मौत की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा मामला इस देश में महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 65 मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र के भी कई जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है और उनकी बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। बड़ी खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्य दिल्ली को भी फिलहाल लॉकडाउन कर दिया गया है। दिल्ली के 11 जिलों में फिलहाल लॉकडाउन का आदेश पारित कर दिया गया है और बॉर्डरें भी सील कर दी गई हैं, यानी कि अब यूपी से कोई भी गाड़ी दिल्ली नहीं आ सकती है। तो इस दौरान आप भी लॉकडाउन में अपने घर में रहें और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले। ज़्यादा से ज़्यादा अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और खबर देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पेज पर आएं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।